हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के लिए संस्कृत विषय का एक महत्वपूर्ण पेपर, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा जो 2021 होगी उसको देखते हुए बनाया गया है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और प्रश्नों का लाभ उठाएँ। इस वीडियो के जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं, इस प्रश्न पत्र के 8 प्रश्न पिछले वीडियो में हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख लें। अभी रिसेंट ही वो अपलोड हुआ है, कल परसों, तो आप उसको देख लें। प्रश्न नंबर 9 से हम देखेंगे। ऑप्शन है, इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं और आपको बताना है उसका जो है सही आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन है वामे विधे, वामे विधे और कुछ शब्द लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट में आएगा सुवचसाम। क्या आएगा? सुवचसाम जो है ये फर्स्ट का आएगा, सुवचसाम। डैश नेक्स्ट है नकुलम डैश व्यापादितवान, तो इसमें क्या आएगा? तो विप्र आएगा। क्या आएगा? विप्र जो है ये सेकंड के लिए है, विप्र। नेक्स्ट है दुखम डैश रक्षणम, दुखम डैश रक्षणम आपको इसका जो है सही आंसर बताना है। तो न्यासस्य क्या आएगा? न्यासस्य थर्ड इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है द्रवति च डैश चंद्रकांत, तो इसमें आएगा हिरक्ष्मा बोधगते, इसका जो है सही आंसर आएगा फोर्थ का। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। फिर आपको उचित मिलान करना है, जो आप देख रहे हैं खगा। क्या आप खगा को किस में मिलाएंगे? वासा पेता। क्या किस में मिलाएंगे? वासो पेता में, वासो पेता में इसको हम मिलाएंगे। फिर पाणिनी, तो व्याकरणम, पाणिनी व्याकरण, पाणिनी जो है संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। मुनिचिन सलिल सलिलम वगागण जो भी लिखा हुआ है। फिर है नयनम ज्योतिषम में मिलाएंगे, नयनम ज्योतिषम। नेक्स्ट है दसवां, निम्नलिखित प्रश्नेषु त्रयाणाम प्रश्नम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम एक वाक्यन दे, एक वाक्य में उत्तर देना है। त्रैलोक्यनाथ नाथ किम विदधाति, इसका जो है सही आंसर बताना है। तो त्रैलोक्यनाथ वाच्छित फलम, क्या लिखेंगे? वाच्छित फलम ऐसे लिखेंगे, वाच्छित फलम, वाच्छित और फलम लिख देंगे, फलम इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तपोवन गतो, क्या है? तपोवन गतो जन कै दृष्ट मुत्सार्यते, तो जो दसवें का जो ख है तो हम लिखेंगे तप, तप वग वन गजो तपोवन गतो जना। फिर भृत्य लिखेंगे, क्या लिखेंगे? भृत्य, भृत्य इसमें जो है इसका आंसर लिखेंगे, भृत्य दृष्ट मूर्छते। नेक्स्ट है क पंथा, क पंथा, तो इसमें लिखेंगे महाजनो येन गतः स पंथा। नेक्स्ट है वेदांगन कति संति, तो वेदांगन षट संति, क्या लिखेंगे? षट, मूर्ख बोलते हैं षट को। नेक्स्ट रहेगा 11वां प्रश्न, अधो लिखतेषु पंच अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्ध करणीय, मतलब जो अशुद्ध लिखे हुए हैं उनको जो है शुद्ध करना है इसमें। तो जो फर्स्ट प्रश्न है इसका कि मोहन विद्यालय गच्छति, तो मोहन विद्यालयम आएगा, क्या आएगा? विद्यालयम जो लिखते हैं विद्यालयम, यह के ऊपर बिंदी लगा देते हैं तो विद्यालयम बन जाता है। नेक्स्ट है स दंडात ताडयति, तो स दंडेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दंडेन लिखेंगे, दंडेन, स दंडेन ताडयत। नेक्स्ट है पक्षिण वृक्षे संति, तो पक्षिण वृक्षे, पक्षिण वृक्षे संति। नेक्स्ट है राम स्नानम गति और गच्छति, तो राम स्नानाय लिखेंगे, क्या लिखेंगे? स्नानाय, इसमें लिखेंगे स्नानाय नदी गच्छति। नेक्स्ट है सरस्वती नमः, तो सरस्वत्यय, क्या लिखेंगे? सरस्वत्यय,
सरस्वत्यय। ठीक है, नेक्स्ट है वृक्षेण फलम उत्पद्धते, तो क्या आएगा वृक्षात फलम उत्पद्धते, क्या आएगा इसमें हम वृक्षेण की जगह लिखेंगे हम वृक्षात, क्या लिखेंगे वृक्षात, वृक्षात इसमें हम लिखेंगे वृक्षात फलम उत्पद्धते। फिर है अनूप यानात, यानात भोपालम गच्छति, तो श्याम यानात, यानात भोपालम गच्छति हम आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित लिखतेषु पद चतुर्थाणाम प्रकृत प्रत्यय एवं च पृथक कुरु, प्रत्यय जो है वो आपको पृथक करना है। तो जो 12वां है प्रश्न उसको देखो कैसे करना है, पठित्वा है तो हम इसको लिखेंगे पठ और प्लस अधक और अधत वा कत्वा, जिसको बोलते हैं कत्वा प्रत्यय, मतलब इसमें कत्वा प्रत्यय लिखा है। पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय। नेक्स्ट है इसमें गंतुम, गंतुम में कौन सा प्रत्यय रहेगा फ्रेंड्स, गम और प्लस तुमुन प्रत्यय होता है, तुमुन प्रत्यय, तो ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है जो आपका थर्ड पीतः, पीतः में कौन सा प्रत्यय है आपको ये बताना है, तो पा प्लस कतः प्रत्यय जो है वो बन जाता है आपका पीतः। नेक्स्ट रहेगा आपके लिए फोर्थ सेवमानम, तो क्या आएगा सेव, सेव प्लस सानच, सानच जो होता है इसमें आएगा सानच। नेक्स्ट रहेगा करणीयम, तो क्या आएगा क्री प्लस अनियर, क्या आएगा क्री प्लस अनियर। नेक्स्ट जो रहेगा 13वां प्रश्न अधोलिखितेषु अव्ययेषु चतुर्थाणाम अव्ययानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, मतलब इनको प्रयोग करके संस्कृत का वाक्य बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है प्रातः, प्रातः तो क्या लिखेंगे महेश प्रातः उत्तिष्ठत, एक वाक्य बन जाएगा आपके लिए। फिर है कदा, तो अनूप कदा पठति, जो कदा है तो लिखेंगे अनूप कदा पठति। नेक्स्ट है पुरा, तो पुरा का क्या बनेगा पुरा राजा दशरथ आसीत। फिर है सर्वत्र, तो ईश्वर सर्वत्र अस्ति। फिर है तत्र, तो तत्र विद्यालय अस्ति, तत्र विद्यालय अस्ति। अब जो आगे आप प्रश्न देख रहे हैं आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, आपको इसको पढ़ना है और फिर आपको इसका आंसर जो लिखे हुए हैं वो ढूंढ कर देने हैं, तो आप इसको देख सकते हैं। आगे के प्रश्न जो हैं आप खुद ही सोल्व करिएगा फिलहाल, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, इस वीडियो के बाद जो है उसकी वीडियो भी उपलब्ध करा दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।